आई डोंट वॉच आईपीएल दैट रिलीजियसली, बट मैंने फाइनल्स का थोड़ा बहुत देखा था बिकॉज आई सपोर्ट जीटी. स्टे विद मी, बट माय फेवरेट टीम इज केकेआर. नाउ लेट मी टेल यू व्हाई. इट्स वेरी स्टूपिड रीजन, जस्ट बिकॉज इट इज ओन बाय शाहरुख खान. आई लव शाहरुख खान एंड उसकी जर्सी का कलर पर्पल है. आई एम यूजिंग दिस मिरर. आई रियली वॉन्ट टू बाय दोज एस्थेटिक मिरर्स, बट आई एम सेविंग अप फॉर समथिंग बिग. यार मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जीटी हार गई. जब आईपीएल की फाइनल थी तब मैं गई थी स्टेडियम के पास, बिकॉज मुझे ना मेरे फोर्थ ईयर की बुक्स चाहिए थी. मैं अपने एक दीदी से बोरो करने वाली थी और दीदी का घर स्टेडियम के इतना पास, लाइक तुम सोसाइटी से बाहर निकलोगे एंड स्टेडियम आ गया. मैंने देखा था कि सब चेन्नई से आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धोनी को सपोर्ट करने के लिए एंड धोनी को देखने के लिए. सबने येलो जर्सी पहनी हुई है एंड दे वर लिटरली शाउटिंग धोनी धोनी. अगर बारिश नहीं होती ना तो एकदम फेयर गेम होता. आई लव मैंगोज. जब भी कोई मैं मैंगो खाती हूँ तब मैं सोचती हूँ ये लास्ट, इसके बाद नहीं खाऊंगी, ये सीजन का लास्ट मैंगो. देन वो मैंगो बहुत ही ज्यादा मिड निकलता है तो मजा नहीं आती. आई डोंट वॉन्ट टू एंड द मैंगो सीजन विथ मिड मैंगो, यू नो. आई वॉन्ट टू हैव दिस लाइक एकदम सेटिस्फेक्टरी मोमेंट कि ये क्या आम खाया है मैंने, मजा आ गया. मैं इसके चक्कर में एक और आम खाती हूँ, फिर एक और खाती हूँ, फिर एक और खाती हूँ. तो इस चक्कर में ना मेरे फेस पे सब कुछ निकल रहा है अभी. माई करंट आधार कार्ड फोटो इज लाइक एकदम कुपोषित लड़की जिसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ओ माई गॉड, आई एम जस्ट वॉचिंग सो मैनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पॉडकास्ट. आई नीड टू स्टॉप. लड़की को बेच देते हैं रेड लाइट एरिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. मेरे में इतना डर बैठ गया है. मैंने देखा था एक पॉडकास्ट के अंदर के जो भी रेड लाइट एरिया होते हैं वो मोस्टली रेलवे स्टेशन के 3 or 4 kilometers के आसपास होते हैं. तो मैं ही तो फट गई. So I was like, अगर कभी अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना पड़े किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में. प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया? अभी ना मेरा मूड नहीं है, पता नहीं अचानक से आई थिंक आई एम हंग्री. ये मम्मी ने छोले बनाए हैं, मुझे छोले खाने हैं. आई एम रेडी. दिस इज द मिनिमल मेकअप. मैंने ब्लश नहीं लगाया बिकॉज फिर थोड़ा और ज़्यादा ओवर हो जाता एंड आधार कार्ड के कैमरे में तो मैं अच्छी आती ही नहीं. पता नहीं क्यों आई प्रैक्टिस माई स्माइल ऑल्सो. वहाँ पर जाके मुझे कैसे हंसना है मैंने वो भी प्रैक्टिस किया है. बिकॉज जब भी मैं स्माइल करती हूँ आई रियलाइज कि मेरी स्माइल ना राइट साइड के ऊपर ज़्यादा ही होती है और लेफ्ट साइड की मसल ना एकदम रिलैक्स होती है. तो आई स्माइल लाइक दिस, यू सी, आई स्माइल लाइक दिस. और आधार कार्ड में तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा. सो मुझे इस साइड की मसल भी खींचनी पड़ती है लाइक. मेरा आज भी नंबर नहीं आया, इतनी ज्यादा लाइन थी. बाकी यार कल फिर से धक्का खाना पड़ेगा. मैं बोली, मैंने सोचा था कि मैं एग्जैक्ट 10 बजे पहुंच जाऊंगी, पहला नंबर मेरा ही आएगा. बट मुझे क्या पता था कि लोग 8 बजे से बिना नहाए धोए लाइन में खड़े हैं. तो फिर मेरी बारी कहाँ से आती. हर रोज वो 40 टोकन देते हैं बट आज उन्होंने सोचा कि वो सिर्फ 30 टोकन्स देंगे. सो वो थोड़ा एक रेयर चांस था कि मैं 40 नंबर वाली निकलती, वो भी चला गया मुझसे. फिर भी मैं 1 घंटा खड़ी रही वही उम्मीद से कि शायद चमत्कार हो जाए और मेरी बारी आ जाए, आगे के सारे लोग हट जाए और सीधा मेरा नंबर आ जाए. कल बेंच में मुझे रेडी नहीं होना, तेल लेने गया. मैं रेडी हुए बिना 8 बजे लाइन में खड़ी हो जाऊंगी. यू नो व्हाट हैपेंड, सी आई वाज द फर्स्ट वन टुडे. मैं 7 बजे से वहाँ पे हूँ. मेरी मम्मी ने 6 बजे मुझे उठा दिया एंड फिर हम रेडी होके पहुँच गए. वैसे मेरी मम्मी का प्लान था कि वो मुझे 5 बजे उठा के 6 बजे वहाँ पे लेके जाती, पर थोड़ा लेट हो गया उससे एंड आई वॉज सेकेंड. बट मेरे आगे जो था ना उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में इशू था, तो टर्न आउट आई वॉज द फर्स्ट वन एंड मेरा सबसे पहले हो गया. यस. एंड मुझे कल के भी काफ़ी सारे लोग दिखे, वो मुझे पहचान गए कि कल भी आप आए थे ना. मैंने बोला हाँ, और आज मैं 7 बजे से यहाँ पे खड़ी हूँ. उन्होंने बोला था कि 30 तक ही टोकन देंगे, उन्होंने कल 40 तक टोकन दिए थे और मेरे पीछे जो आंटी थे उनका नंबर लग गया था, तो ऑफकोर्स कल मेरा हो ही जाता.
पर किस्मत, चलो ठीक है आज हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। फोटो ठीक ठाक ही आई है, पता नहीं क्यों। काश मैं अपनी सेल्फी अपलोड कर पाती आधार कार्ड के लिए। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। सब्सक्राइब, लव यू, हैप्पी हैप्पी हूँ। सी, मैंने भी सोचा था कि वीडियो यहाँ पे एंड हो जाएगी, बट व्हेन आई से आई हैव बैड लक आई मीन इट। मैं जस्ट ऐसे सिंपथी के लिए या फिर रेंट करने के लिए नहीं बोलती। तो मुझे लगा था कि 3 बार धक्के खाने के बाद फाइनली आधार कार्ड अपडेट हो गया विथ अ डिसेंट फोटो, एवरेज फोटो, तो मैं खुश थी। कल मैं मस्त के ड्रामा देख रही थी, बारिश हो रही थी एंड एक रैंडम कॉल आया मुझे अननोन नंबर से। सो आई वाज लाइक ये कौन है। मैंने पिकअप किया फोन, उसमें जो आदमी था वो बोला कि मैडम आप सैटरडे को जो आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे उसका डेटा इरेज हो चुका है, तो आपको मंडे फिर से आना पड़ेगा अपडेट कराने के लिए। यू सी मैं तो खुश हो गई, मैं लिटरली हंस रही हूँ। मैं आधा घंटा अपनी किस्मत पर हंसी, मेरी मम्मी हंसी। मैंने बोला क्या, ये आउटकम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक और आधार कार्ड फोटो, आई वॉज लाइक मैं अब लाइन में नहीं खड़ी रहूंगी, मैं अब डायरेक्ट एंट्री करूंगी, बिकॉज डेटा इरेज हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप डायरेक्ट अंदर ऑफिस के अंदर आ जाना, आपका सबसे पहले कर देंगे। तो आज मुझे कॉलेज जाना था, फर्स्ट डे था मेरा कॉलेज आफ्टर वैकेशन, बट आज मैं जा रही हूँ आधार कार्ड अपडेट करवाने। वाह, अब तो जैसे भी फोटो आए आई डोंट केयर। दिस इज द फोर्थ टाइम जो मैं रेडी हुई हूँ सिर्फ आधार कार्ड की फोटो खिंचवाने। होपफुली जब तक मैं AMC के सेंटर तक पहुँचूँ तब तक ये मेंटेन रहे, वरना तो आई जस्ट डोंट केयर यार। जैसे भी फोटो आएगी आई डोंट केयर। आई एम नॉट व्लॉगिंग एनी फर्दर बिकॉज मुझे बैंक भी जाना है, आज मुझे बहुत काम करना है। एंड उसके बाद आई हैव टू गो टू VI स्टोर बिकॉज मुझे मेरा सिम कार्ड अपडेट करवाना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, फाइनली दिस इज द एंड, लव यू। मैं अभी गई थी ठीक है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, और मैंने क्लियर कट पूछा था उन्हें कि अगर मैं मंडे फिर से अपडेट करवाने आऊँगी तो मैं लाइन में नहीं खड़ी रहूँगी। ऑब्वियसली लोग 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं जस्ट नंबर आने के लिए, तो फिर मैंने बोला था कि मैं बीच में घुस जाऊँगी बिकॉज मैं हर रोज़ तो छुट्टी नहीं ले सकती ना। तो आज मैं गई, पहले तो जो अंकल थे उन्होंने बहुत रूडली आंसर किया, मुझे नहीं रोना था बट उन्होंने इतना गंदा आंसर किया तो फिर मुझे रोना आ गया। फिर जिस आदमी का मुझे फ़ोन आया था मैंने उसे फ़ोन किया बिकॉज आज नए लोग बैठे थे वहाँ पे अपडेट करवाने के लिए, तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आप अब मैडम आप मुझसे बात मत करो, आप वहाँ पे जो बैठे उससे बात करो, मेरा काम हो गया है, मुझे बस आपको इन्फॉर्म करना था, मैंने कर दिया। व्हाट द फक। तो वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। फिर ना सर्वर डाउन था ठीक है, तो मुझे मेरी किस्मत पे इतना रोना आ रहा था कि भाई आज ही सर्वर डाउन होना था। फिर मैंने उनसे पूछा कि कितने बजे सर्वर स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, आप बैठो। अब मैं कितना बैठू। सी मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुझे फर्स्ट करके दो, लाइक आई अंडरस्टैंड कि मेरे पहले भी आज लोग सुबह सुबह से लाइन में खड़े हैं, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट कि डेटा इरेज हो गया। मैं सैटरडे अपडेट करवा के गई थी लेकिन डेटा इरेज हो गया, इस मेरी गलती नहीं है। तो अब ये उनके ऊपर है कि मेरे मैंने पेमेंट भी किया है, लाइन में भी खड़ी रही हूँ और सब। मैं बहुत इमोशनल होकर रोने लगी और मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल पे अपडेट दे रही थी, तो फिर ना सिक्योरिटी वाले अंकल ने और वहाँ पे जो एक दो काम करते हैं उन अंकल ने सुन लिया कि बेटा चिंता मत कर, हो जाएगा, हम बात करते हैं। तो फिर वो अंदर लेके गए और वो अंदर बैठा हुआ वो बुढ़ा सारा फिर से रूट जाप दे रहा है। हाय फक, आई एम सो इमोशनल राइट नाउ। अभी तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया, मम्मी के सामने भी मैं रो दूंगी। आज तो कुछ भी करके करना ही है आधार कार्ड का अपडेट, आई डोंट केयर कैसे भी फोटो आए। मेरा मेकअप, मेरी मस्कारा सब चला गया बट आई डोंट फकिंग केयर, बट जस्ट अपडेट होके आ जाए। कल मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अभी बैंक में भी जाना है, बट मैं अपना नंबर दे के आई हूँ कि जब भी वो फ़ोन कर देंगे तो मैं आ जाऊँगी। इट वॉज एम्बेरेसिंग। मैं ना बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मुझे नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना, बट पता नहीं क्यों मैं इतना रो देती हूँ सबके सामने। आई डोंट नो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी या नहीं करूँगी। मेरा मूड नहीं है यार, अब मेरा मूड नहीं है।